बट आपने तो सुजैन को कास्ट नहीं कर लिया था अपनी मूवी के लिए? हाँ, कास्ट तो किया है, बट आई डोंट थिंक शी सीरियस। देखो, ये फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके साथ रिस्क नहीं ले सकता। आई कांट कास्ट समवन जिसके लिए फिल्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका बॉयफ्रेंड हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या फियांसे तो नहीं है ना? नो, आई एम सिंगल। गुड, वेरी गुड। इंसान को आजाद रहना चाहिए, तभी वो अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर सकता है। तो फिर आप कब से प्लान कर रहे हैं अपनी शूट? शूट में तो अभी बहुत टाइम है, बहुत से काम है अभी। अगर तुम वाकई में फिल्म में काम करना चाह रही हो तो पैशन की जरूरत है। आई नो। ओके, ग्रेट। तो फिर मैं स्क्रिप्ट तुम्हारे घर पे ड्रॉप करवा देता हूँ और फिर बाद में हम कैरेक्टर के हवाले से डिस्कस कर लेंगे। ऑल आई नीड इज योर टाइम। गुड, या श्योर, माय ऑल टाइम इज फॉर योर मूवी। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। सो गुड लक। एंड टू यू, वेलकम। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी यार, बहुत बुरी तरह फंस गया था। इट्स ओके, तो मना भी किया था, तुम ही जिद कर रहे थे। आई नो, इसलिए तो सॉरी कर रहा हूं मैं। अच्छा निसर, लिसन प्लीज, अब अपना मूड तो ठीक करो यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें ना मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ? रियली? मैं तुम रूमी के साथ लंच करने गए थे ना, मैंने तुम दोनों को साथ देख लिया था। मैं तुम्हें पिक करने आने वाला था, पता है? फिर वो अचानक आ गई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे मना करूं। क्या तुमने उसे झूठ बोल दिया? नहीं, ये बात नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। झूठ बोलकर तुमने मुझे ज्यादा हर्ट किया। You know what, Faris? I can't trust you anymore. Listen, Nisa. Please, तुम जाओ। तुम बात कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं निशा की तरफ हूँ। वहां क्या कर रहे हो? तुम एक काम करो, तुम वहीं पर आ जाओ जहां पर मैं अभी हूँ। बहुत फिट पार्टी में आई हूँ मैं। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। बाय, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। बाय। बाय। हाय हाय शुएब। फारिस शुएब, द फिल्म डायरेक्टर। ओह, नाइस टू मीट यू। यस, लाइकवाइज, नाइस टू मीट यू। एंड शुएब, ही इज माय कजिन, यूएस से आया। ओह, वेरी नाइस, ग्लैड यू कुड मेक इट। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, लिसन, जस्ट अ सेकंड। आई एम श्योर। What was that? मैं सिर्फ तुम्हारा कजन नहीं हूँ यार, फियांसे भी हूँ। मैं उसको तो नहीं बता सकती थी ना कि वी आर एंगेज्ड। What? क्यों? उसने सुजैन को फिल्म से सिर्फ इसलिए निकाला था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था। अगर मैं तुम्हारे बारे में उसको बता दिया तो मेरे हाथ से तो फिल्म गई ना। फिल्म का क्या ताल्लुक है इससे? मेरे लिए नहीं, उसके लिए है। खपती इंसान है बहुत, सारी झंझटें नहीं चाहता।
और वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे झूठ बोल चुकी हूँ। What Faris? जिद फैलाने से कुछ नहीं होगा। देखो, उसको पता हो या ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता तुम्हें पता, that's it। अच्छा come on, cheer up। मैंने इसलिए तो नहीं बुलवाया था ना तुम्हें। come on, अच्छा मेरे साथ smile, come on। Hey. All okay? Yeah. Want a drink? No, thank you. Basically, वो तो मैं awkward feel कर रहे थे, because आपने उन्हें invite नहीं किया था। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले नहीं किया था तो अभी कर लेते हैं। Okay? You're invited. You wanna die? Yeah. Let's go. Let's go. Faris Shoaib, the film director. Oh, nice to meet you, dude. Yes, likewise. Nice to meet you. And Shoaib, he's my cousin, USA. Oh. Hello, Faris. What was that? I said, "Tumhara cousin nahi hai, fiance bhi hoon." Main usko to nahi bata sakti thi na ki we are engaged. मैं तुम्हें pick करने आने वाला था, पता है? फिर वो अचानक आ गई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे मना करूं। इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोल दिया? नहीं, ये बात नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। झूठ बोलकर तुमने मुझे ज्यादा हर्ट किया। जल्दी खाओ, मैं लेट हो जाऊंगी। ईट, मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे जाते हुए तुम्हें भी छोड़ना है। हेलो, कहाँ
तुम? हाँ यार, I wasn't feeling well, मैं घर के लिए निकल गया हूँ। ओके, तुम रेस्ट करो। यहाँ क्या कर रही? Let's go. Yeah, let's go. Bye. Yeah, चल। ओह, कंग्रेचुलेशंस। सुना है आप फिल्म कर रही हैं? थैंक्स, सही सुना। क्या स्टोरी है? पता नहीं, अभी मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। गुड। वैसे जरूरत भी नहीं, आजकल कौन पढ़ता है स्क्रिप्ट यार। और तुम्हारा कैरेक्टर मैं बताया था, दो चार रोमांटिक सीन्स, एक दो गाने जिसमें से एक बारिश का, बस। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मेन लीड। ओ, सो कॉल्ड सीरियस फिल्म, आर्टिस्टिक वाली, गुड स्टफ। जीरो, आई एम नॉट इन अ मूड। वैसे रात से दिमाग खराब हो रहा है। खैरियत? I don't know. कल पार्टी में गई थी तो डायरेक्टर मिले। You know हमारा मीडिया कैसा। फारिस को मैंने कजन कह के इंट्रोड्यूस करवा दिया, पता नहीं उसे बुरा लग गया। मुझे बताए बगैर ही चला गया पार्टी से। ओके। मतलब इसमें रिएक्ट करने वाली क्या बात है? स्वीटहार्ट, रिएक्ट तुम ज्यादा कर रही हो। तुमने उससे पूछा कि वो क्यों चला गया? Yeah, I called him, but उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए पार्टी से चला गया। रिलैक्स कर, हो सकता है ऐसी हो।
जीरो बच्ची नहीं हूं मैं। आई नो उसे अच्छा नहीं लगा। तो अब क्या, खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? ये तुम सोचो, और अगर लगे कि गलती हुई है तो खैर है, गलती इंसान से ही होती है यार। से सॉरी जीरो, मैं कुछ नया नहीं कर रही। आई एम लाइक दिस। ओके, बात कर लो उससे। क्या बताओ, वाकई नाराज ना हो? थिंक अबाउट इट। I would enjoy some more music. पापा है, कसम खुदा का, तबीयत अच्छी नहीं कि उसने अपनी बेटी की जरी ने बिल्कुल भी। किस तरह खैर मर्दों के साथ नाच रही थी वो? गुस्सा तो मुझे तुझ पे आ रहा था भाई, लगा देता उसके दो दो हाथ जड़ देता डायरेक्टर के। कैसे वो तेरी होने वाली बीवी के साथ लटक रही थी, लटक रहा था? अजीब सी बात है बेटा, तेरी पुरखों की इज्जत का सवाल है, कुछ तो सोच। क्या तू वाकई उसे मेरी बहू बनाना चाहता है? सोच ले, मेरी तो नाक कट जाएगी भाई। लेकिन मेरी तो नाक ही नहीं है। खैर तेरी नाक कट जाएगी, पता चलेगा अच्छी तरह। अब कुछ तो कर, क्या सोचता ही रहेगा बैठा हुआ है? आरएस, कुछ कर ना। पारिस कितना क्यूट लग रहा है ना? जी नहीं, जहर लग रहा है। क्या कहा था ना दूर रहो उससे, भूल गई जो भी हुआ? रिद्धा उससे सॉरी कर लिया है ना? अच्छा जी, पारिस ने सॉरी कर ली और आपने उन्हें माफ कर दिया। वो दोबारा गलती करेंगे और आप फिर से उन्हें माफ कर दीजिएगा। वेरी गुड, लेकिन मेरी बात सुनो। अब अगर तुम मेरे सामने मुंह फुलाकर बैठी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो इतना? क्या है? क्या है? कल ना फोन पर उसकी आवाज से लग रहा था बहुत उदास है। उसकी आवाज से जो भी लगे, वो खुश है या उदास है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रूमी है उसका ख्याल रखने के लिए। तुम रूमी का मेरे सामने बार बार नाम क्यों लेती हो? इसलिए मेरी दोस्त, क्योंकि वो उसकी मंगेतर है। हेलो, ओके बेबी, लूसी आ गया। मैं तैयार होती हूँ। जल्दी आना यार।
कैसी तबीयत है? Yeah, it's better now. Good. तुमने कल बताया भी नहीं और अचानक चले गए? नहीं, वो तुम थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं निकल गया. देखो फारिस, अगर तुम कल की बात में मुंह फुला के बैठे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस फिल्म के बाद मेरा करियर कहाँ होगा ये तुम जानते भी नहीं हो. हाँ मैम, समझ सकता हूँ. आई एम रियली सॉरी यार, मैं शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया. चलो इट्स ओके. कहीं बाहर चले? नहीं फारिस, बेसिकली मैं फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए जा रही थी. पता नहीं कब तक फारिग हूँ तो सोचा तुम्हें बता दूँ मैं. ओके. चलो तुम रेस्ट करो. बाय. आप फिर आ गए? चेक तो ले गए थे ना अपना? नहीं, मैं इस बार चेक लेने नहीं आया, चेक करने आया. क्या? मेरे पास तुम्हारा एक राज है. राज? कैसा राज? जिसे तुम दुनिया भर से छुपाती आई हो लेकिन मुझसे और मेरे कैमरे की आंख से नहीं छुपा सकी. आप मुझसे डायरेक्ट काम की बात कर लेंगे? देखिए मुझे और भी बहुत सारे काम हैं. ठीक है, कब से चल रहा है सब कुछ? क्या आपके दिल में फारिस की मोहब्बत? क्या पागल तो नहीं हो गए आप? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? अच्छा, तो फिर रूमी और फारिस की मंगनी में आपकी कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें आप उदास ना हो. ऐसा क्यों? देखिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूं. आप मुझे दोस्त समझें और आप मुझे बताएं जो भी आप बताना चाहती हैं. आपका दिमाग खराब हो चुका है. ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है. जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं. पक्का? हाँ पक्का. शुक्र. यू नो, कब से सांस रुकी हुई थी मेरी ये सोच सोचकर. लेकिन अब आप कह रही है तो आई एम श्योर ऐसे ही होगा, है ना? आप यहां से जा रहे हैं या मैं चली जाऊं? नहीं, मैं चले जाता हूँ. थैंक यू सो मच मेरी रुकी हुई सांस वापस करने के लिए. टेक केयर.
नो तुम मुझे कॉल करे थे, बट मैं फोन कैसे उठाती? सारी कास्ट बैठी हुई थी स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए, मैं फोन तो नहीं उठा सकती थी ना सबके सामने। Please, you should have texted me then. उतना टाइम भी नहीं था क्या तुम्हारे पास? अच्छा ना बाबा, you know that I was so excited. तुम्हें पता तो मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, in fact, ये मूवी हिट जाएगी। I don't know, मेरे ऑपोजिट किसको लिया उन्होंने फिल्म में, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पूरी फिल्म तो मुझ पर है। तुम्हारे रिंग कहाँ है? वो मैंने बैग में रख दी थी, लूज थी ना। हेलो, या जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड, या लिसा, फारिस की शादी का क्या बना? मैं तो समझी थी कि मंगनी की कुछ दिन बाद हो जाएगी। पता नहीं, एक महीने से बात नहीं हुई, शादी की तैयारी में बिजी होगा। अरे तो बात करो ना उससे, उसकी शादी की तैयारी भी तो हमें करनी है ना। अबे मैंने तो उससे वादा किया था कि उसकी बारात भी मेरे घर से जाएगी। हुआ, आपको क्या जरूरत थी वादा करने की? हो सकता है वो ऐसा ना चाहता हो। आपको भी बहुत शौक है हमदर्दियां करने का। इसमें हमदर्दी वाली कौन सी बात है? और सुनो, वो कोई गैर नहीं है, हमारा अपना है वो। वो तो हमें अपना समझता नहीं है, जब से आए फोन तक तो किया नहीं, आप ही उसके फोन का इंतजार करती रहती हैं। और उसे कोई काम होगा ना तो वो कह देगा, बहुत ढीठ है वो। क्या हो गया तुम्हें? ये बैठे बैठे तुम उसकी दुश्मन क्यों बन गई हो? पल में तोला, पल में माशा, तुम्हारे दिमाग की मुझे समझ नहीं आती। फारिस बेटा, मैं खुद तुमसे इस सिलसिले में बात करना चाह रही थी। शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जी बस जैसा आपको बेहतर लगे खाला, मुझे तो वापस जाना है, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हाँ हाँ, मैं आज ही तुम्हारे खालू से बात करूंगी। रूमी से कोई बात हुई तुम्हारी? वैसे वो बहुत मसरूफ रहती है, ना उसके आने का पता होता है ना जाने का। मेरी बात तो नहीं हुई, आप ही बात कर लीजिएगा। क्या बात है, तुम्हारी और रूमी की कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, बिजी बहुत है शायद वो, मेरा फोन नहीं उठाती है। हाँ वो जीरो बता रहा था मुझे कि फिल्म के सिलसिले में बहुत मसरूफ रहती है, जिंदगी के साथ साथ काम तो चलते ही रहते हैं, शादी तो एक हफ्ते में निमट जाएगी, काम फिर आराम से होते रहेंगे, समझ नहीं आती उसकी। तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात, तुम शादी को थोड़ा सा डिले कर दो। देखो वो ये तो नहीं कह रही ना कि तुमसे शादी नहीं करना चाहती, सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही तो मांग रही है। अरे बात सिर्फ ये नहीं है। अच्छा फिर बताओ मुझे क्या बात है। क्या बताऊं मैं तुम्हें? अच्छा फर्ज करो तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बोलो कि ये बात दुनिया में किसी को बताना चले और लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हमारे बीच कुछ है ही नहीं, तो कैसा लगेगा तुम्हें? कभी कभी मुझे लगता है वो इस रिलेशनशिप से भाग रही है। She doesn't want it anymore. उसकी जिंदगी में कोई और है शायद। तुम गुस्से में हो इसलिए इतना इमोशनल हो रहा है, और अगर तुम इस मामले को गुस्से से हल करोगे तो वो और खराब हो जाएगा। क्या करूं बताओ? तुम उससे आराम से बात करो, उसे ये समझाने की कोशिश करो कि तुम उसे समझना चाहते हो, वो तुमसे प्यार करती है तभी तो तुमसे मंगनी की होगी, हो सकता है उसे वाकई तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। देखो प्यार में एक आदमी की नहीं चलती, कभी कभार दूसरे को भी समझना पड़ता है। तुम उससे लड़े जा रहे हो सकता है इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है, या हो सकता है वो उस फारिस को मिस कर रही है जो उसे प्यार करता है।
She loves him. She loves him not. 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 देख ले, तो मैंने फूल की पत्तियों वाला भी टेस्ट करके देख लिया। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि रोमी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है तुझ में। तू क्यों नहीं समझ रहा? देख, तू अपनी आंखों से खुद देख रहा और फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, खामखा का देवदास बना बैठ। देवा, वैसे अगर तेरी उससे शादी हो भी गई ना गलती से, तो याद रखना तू उसकी जो शूटिंग वाले ना, उनसे उनको डेटे बांटता फिरेगा, इसकी परस उठा उठा के चलेगा इसके पीछे पीछे परस। और अगर तेरा ख्याल है कि ये बच्चे बच्चे पैदा करके तेरी फैमिली बनाएगी, भूल जा बेटा, भूल जा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? में कह रही हूं ना तुझे, फारिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। शी लव्स यू, शी लव्स यू नॉट, शी लव्स यू, शी टेल्स यू शी लव्स यू नॉट। फारिस, मुझे उदास लगा, मुझे लगता है कि दोनों के बीच कुछ हुआ है। रिलैक्स माँ, हो जाता है। अभी वक्त ही कितना गुजारा दोनों ने एक दूसरे के साथ, थोड़ा वक्त दे, सही हो जाएंगे। पता नहीं, रूमी को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, कितनी जज्बाती लड़की है, जरूर उसी की तरफ से कोई लड़ाई हुई होगी। अरे आपकी बेटी है माँ, कम से कम आप तो उसकी साइड ले। जीरो, रिश्ते बनाना बहुत आसान है लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल। रूमी को अब समझना चाहिए कि पहले की बात में और अब की बात में फर्क है। अब वो शादी क्यों डिले कर रही है? हाँ, डिले कर रही है, इनकार तो नहीं किया उसने, और आपने रूमी से इस बारे में बात कर ली है ना? नहीं। लो, तो फिर आप ऐसी ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं अपना। पहले उससे पूछ तो लें किस तरह की बात है, भी है नहीं।